गया है, बिल्कुल दिन निकल आया है, तो कार्यक्रम का विराम मेरी ओर से भी हो जाए। एक बहुत अच्छी गजल गाने वालों ने गाई, क्या के आंखों में हया रखना, रामचरण भैया जी आपने और आपके गांव के लोगों ने बड़ा परिश्रम करके ये कीर्तन कराया है। और क्या, और कीर्तन करा लेना छोटी बात नहीं है ना? हम लोग पूरी दुनिया में गाने जाते हैं लेकिन अपने घर में कभी कीर्तन नहीं करा पाते, क्या बात, अपने घर में गाने का अवसर कभी नहीं मिलता, तो ये सौभाग्य परमात्मा ने आपको दिया है। लेकिन क्रांतिमाला जाते जाते एक बात कह रही है क्या? कि मैं आऊं या ना आऊं एक काम करिएगा, क्या क्या के आंखों में हया रखना और होठों पे सदा रखना, तो आ जाए कोई शायद के आ जाए कोई शायद तो दरवाजा खुला रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। और खुला हुआ है आपका दरवाजा, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आपके दरवाजे आते हैं। और हमारे महेंद्र भाई साहब आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं और आप कह रहे हैं कि आपके लिए हमेशा हम लोगों का दरवाजा खुला है, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब को। बस यही प्रेम दुलार आदमी का साथ जाता है, यही यादें साथ जाती हैं, कौन कितना अच्छा व्यक्ति कहाँ मिला था, बाकी तो दुनिया है माया है, सब अपने अपने में लगे हैं। लेकिन ये राष्ट्र, ये देश, ये हिंदुस्तान अपना है, इसकी रक्षा करना हम सभी का फर्ज है, धर्म है। लोग सोचते हैं फौजी ही इसकी रक्षा करें, सिपाही इसकी रक्षा करें, लेकिन नहीं, अगर बात देश की आ जाए तो फिर हम चाहे जिस जाति के हों जिस धर्म के हों पहले हम भारत के हैं ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। भारत माता का एक पुत्र जो भारत की रक्षा कर रहा है, सीमा पर डटा है, थोड़े दिन की छुट्टियां उसको मिली और वो छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर पर आया। कुछ दिन बीते, सरकार के द्वारा एक पत्र आ गया, उस पत्र में लिखा है तुम्हारी छुट्टियां समाप्त हुई, तुम्हें सीमा पर पहुंचना है। उस लड़के ने जल्दी जल्दी वर्दी पहनी और अपना सामान इकट्ठा किया और वर्दी पहन कर जब अपना बैग लेकर चलने लगा तो उसकी नजर अपने बूढ़े माँ बाप पर पड़ी। बूढ़े माँ बाप ने उस बच्चे को प्यार से विदा किया, माँ ने आरती उतारी और माता पिता दोनों अपने लाल से एक बात कहने लगे। उन्होंने कहा, मेरे लाल तू सीमा पर जा रहा है तो एक काम करना, और करना क्या, कि संघर्ष कड़ा रखना, सीमा पर जाना तो एक काम करना, कि संघर्ष कड़ा रखना और नजरों को कड़ा रखना, कि नजरों को कड़ा रखना, और ये तन गिर जाए ले
के झंडे को खड़ा रखना। खड़ा रखना तो उस बच्चे ने भी पलट कर एक बात कही। क्या? उसने कहा माता पिता अगर मैं जिंदा लौट आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद एक काम आप लोग कर देना। और आप लोग क्या करना? क्या? के मुख कमल खिला रखना। अपने चेहरों पर उदासी मत आने देना। अगर मैं मर जाऊं तो मुस्कुराते हुए मुझे विदा करना। और करना क्या? क्या? के मुख कमल खिला रखना। और जो मेरे अपने हैं उन सबको बुला रखना। ये तन ढकना तिरंगे से, लेकिन ये चेहरा खुला रखना। कुछ कह रहे राम, कुछ जेब में हाथ डाल के बैठे बड़े आराम से। भगवान का नाम लेने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही। ये मौके रोज रोज नहीं मिलते। जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं उतनी देर राम में रम जाइए। बाकी तो अभी दुनिया के काम चालू हो जाएंगे, ये लाना है, वो बनाना है, ये बिगाड़ना है। ये अवसर सवेरे सवेरे मुंह से राम नाम निकल जाए, इससे पवित्र क्या हो सकता है? क्या बात? एक बार राम कहने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। तो हम कितनी बार आपसे कह रहे हैं कि बोलिए राम 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 राम। अगर कुछ चाहिए अपने बारे में, अपना अच्छा चाहते हैं, तो एक बार राम का नाम लीजिए और कहिए के राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ दास रोग हरे सब पीरा, ओ तो जपत निरंतर हनुमत लीला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
रामचंद्र की, बोले लखन लाल की, बोले बालाजी सरकार की, बोले बागेश्वर धाम की, बोले अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की, बोले गऊ गंगा गीता मैया की, बोलिए कीर्तन सुनवैया की, बोलिए कीर्तन करैया की, बोलिए कीर्तन गवैया की, बोलिए साउंड बजवैया की, महामुनि श्रृंगेरी श्री महाराज की जय। सबकी